बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि कमजोरियां मुझ में मत खोज मेरे यार, कमजोरियां मुझ में मत खोज मेरे यार, एक तुम भी मेरी कमजोरियों में शामिल हो। बड़ी अच्छी पंक्ति लगी मुझे। आज सभी लोग अपने बुजुर्गों को बेकार समझते हैं, ना समझ समझते हैं, और यही कारण है कि उनकी उपेक्षा लोग करते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों को इज्जत करना सीख जाते बचपन में, अगर अपने बुजुर्गों को पैर छूने की आदत हो जाती बचपन में, तो आज इस तरह की हवा नहीं बहती। आज बिहार सरकार को इस तरह का नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार कह रही है कि जा तुम अपने पिता को पैर छू के प्रणाम कर, माँ के पैर छू कर प्रणाम कर, सरकार को कहना पड़ रहा है। और उसी पैर को छूने के लिए केवट ने भगवान श्री राम को इतना मान मनोगत किया, इतना छुआ, इतना प्रेम किया उस पैर से। आज भी अगर हमारे पैर, माता पिता के पैर हमारे सर पर हैं, उनका आशीर्वाद हमारे सर पर है, ये तो बड़े सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनके माता पिता जीवित होते हैं। जिनके माता पिता जीवित है वो दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से है। धन की बात नहीं होती, सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति ने हमें पैदा किया वह व्यक्ति आज भी मेरे बगल में खड़ा है, और जिस व्यक्ति की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा वह व्यक्ति आज भी मेरे बगल में खड़ा है, ये बहुत सौभाग्यशाली बात होती है। मैंने एक कहानी सुनी कि एक व्यक्ति ने अपने बेटा को खूब पढ़ाया, बड़ा आदमी हो गया, ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। एक दिन वह व्यक्ति अपने बेटा से मिलने गया, तो बेटा कुर्सी पर बैठा था, पिता बगल में खड़ा होकर पूछा कि बेटा दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कौन। बेटा ने जवाब दिया, पिताजी मैं। पिता को बड़ा दुख हुआ, और पिता को दुख, पिता मुड़कर वहां से चला। पिता जब दरवाजे तक जाता है तो बेटा बोलता है, पिताजी जब तक आप मेरे बगल में खड़े थे दुनिया के सबसे बड़ा आदमी मैं था, आज आप जा रहे हैं दुनिया के सबसे अभागा व्यक्ति मैं हो गया हूँ। यह होती है शान की बात, यह होती है पूजा की बात, यह होती है प्रतिष्ठा की बात। तो प्रत्येक बेटा आज अपने बाप से ही पूछ रहा है, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने पूरा पटना क्यों नहीं लिखा कर मुझे दे दिया, इतना FD क्यों नहीं जमा कर दिया, इतनी संपत्ति क्यों नहीं अर्जन की तुमने। और मैं तो पूछता हूं, मैं तो शिक्षक हूं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम दूसरे की बैसाखी पर कब तक खड़ा होना चाहते हो, दूसरे की कमाई पर कब तक खड़ा होना चाहते हो। पिता ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया तो तुम क्या कर रहे हो। हम ऐसी बात कभी दिमाग में न लावें, हम दूसरे की कमाई पर क्यों खड़ा हो इतराएं, हम स्वयं अर्जन करेंगे। पारासाइट बनकर जीने वाले बेटा, वह बेटा कहने लायक भी नहीं होता है। माँ बाप तड़पता हुआ, भूखे तड़पता हुआ हो, और बेटा ऐसी कमरे में बैठा हुआ हो, गांव में माँ बाप तार के पंखा को झल कर जीवन व्यतीत कर रहा हो, और बेटा ऐसी कमरे में बैठा हुआ हो, मुझे उस यह बात स्वीकार नहीं है। मैं तो यह चाहता हूँ कि अगर पिताजी पलंग पर सोए हैं तो बेटा उसके पाँव के नीचे बैठा हुआ हो। और इसीलिए शास्त्र में लिखा, हमारे शास्त्रों में इसकी चर्चा आई कि जो भी व्यक्ति अपनी माँ का, पिता का की सेवा करता है, उसको पैर छूता है, सुबह प्रातः काल सोकर उठता हो और अपने पिता का चरण छूकर अपने सर में लगाता हो, उस व्यक्ति को संसार में कोई भी विघ्न, कोई भी अशांति, कोई भी क्लेश नहीं हो सकता है। और इसी को कहते हैं पितृ ऋण से मुक्ति।